नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषार्य पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में दिल के गहराइयों से अभिनंदन है। आज हम बताने जा रहे हैं जिन परिवारों में कई पीढ़ियों से कन्या का जन्म नहीं होता है, यानी कि कोई लड़की नहीं हो रही है, यानी कि पूरे परिवार की कई पीढ़ियों से आशा है कि हमारे परिवार में लड़की होनी चाहिए, कन्या होनी चाहिए। तो मैं ऐसे परिवार वालों को बताने जा रहा हूं कि उन माता पिताओं को क्या करना चाहिए जिनको कन्या की बहुत ही ज्यादा अभिलाषा है, उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत ही स्टीक और बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक कोई भी हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़ा नहीं है तो वो जुड़ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए प्राप्त होती रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बंधुओं, मैं उनको बताने जा रहा हूं जिनको कन्या की बहुत ही ज्यादा अभिलाषा है, तो उनको क्या करना चाहिए। उन माता पिताओं को जो चावलों की धोबन होती है, जो चावलों का धोबन होता है, जो पानी होता है, उसमें नींबू की जड़ को पीस लीजिए। नींबू की जड़ को पीसकर और स्त्री को पिला दीजिए, फिर वो स्त्री एक घंटे के बाद अपने पति के साथ सही तरीके से शारीरिक संबंध का यानी कि सहवास का आनंद ले, उसके बाद निश्चय ही उसके कन्या का जन्म होगा। ये 100% अजमाया हुआ नुक्ता है और अजमाया हुआ उपाय है, लेकिन ये उनको करना चाहिए जिनके परिवार में कन्या की बहुत ही ज्यादा अभिलाषा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं छोटी छोटी ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं। अगर किसी की समझ में नहीं आती है तो हमें कॉल कर सकता है या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 42 57 48 24। और आपकी कोई भी समस्या है, हस्तक रेखा हो या जन्म कुंडली हो या मस्तक रेखा हो या जीवन की कोई भी समस्या हो, तो आप तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को करता हूं नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।